ये जो ज़हबी ने पहले इसका जिक्र करके कि ज़हबी ने जिल्द नंबर चार सफा नंबर चार सौ तेईस पर यह लिखा है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह क़रबला में खिताब किया उसमें क्या था यानी हालात जो लोग कहते हैं कुछ था ही नहीं तो क्यों निकल पड़े आपने फर्मा अला तरह का ला यो अमाल बही लोगो तुम देखते नहीं कि हक पे अमल नहीं हो रहा ला यो मालो भी वल बातिला ला योतनाहा अन हो और बातिल से रुका नहीं जा रहा हक ये था कि बातल से इज्तनाब किया जाता और हक पे अमल किया जाता तो यहां उल्ट हो चुका है हक जो है उस पर अमल नहीं किया जा रहा और बादल से रुका नहीं जा रहा फिर इस वक्त तो फिर मोमिन को मौत से जा मिलना चाहिए इस पर आपने वो तारीफ़ी जुमला बोला जिसका कोई तोड़ नहीं है ना रवाफिज़ के पास ना खवारिज के पास और ना उनके हाशिया बरदारों के पास इस पर आपने फरमाया इन्नी ला अरल वल इला सादत इल्ला जुर्मा के कलमाते हसर से यह कहा कि अब यजीद से टकरा कर शहीद हो जाना मेरे नजदीक सौ फीसद सादत है यानी ये बदबख्ती नहीं है ये हलाकत नहीं है ये नुकसान नहीं है ये सादत है तो अब अंदर कितना पुख्ता जज्बा था दीन का जो मफादात के लिए निकला हो वो तो सबसे पहले जान बचाता है कि मफादात का फायदा तो तब है जब जान बचेगी जान ही ना बचे तो फिर मफादात क्या करने आप फरमाते हैं मेरी पॉलिसी है सौ फीसद कि मैं मौत को सादत समझता हूँ वल हयात जुर्मा, ज़ालिमों के साथ मिल के जिंदा रहने को मैं सो फीसद जुर्म समझता हूँ ज़ालिमों के साथ मिलकर मसला यजीद की हिमायत करके जिंदा रहने को ये नहीं फिफ्टी फिफ्टी के पचास फ़ीसद जुर्म है पचास फ़ीसद नहीं है मैं सौ फ़ीसद इसको जुर्म समझता हूँ तो मेरे नज़दीक अब हयात से वफात अच्छी है क्योंकि हयात इस तरह की मिल सकती है कि मैं यजीद की हिमायत कर दूँ तो मुझे ऐसी हयात नहीं चाहिए क्योंकि ऐसी हयात जुर्म है और मेरे नज़दीक इस वक़्त जो बातिल से टकरा के मौत आए मैं इसको अपने लिए सादत समझता हूँ तो अब ये सारे जो गुबार है इमाम हुसैन रजी अल्लाह तुम की पॉलिसी पर नुतः नज़र पर जो दोनों तरफ से डालने की कोशिश की गई रवाफज और खवारिज की रवाफज ये कि हाय हाय कर रहे थे किजर ले आए हो क्या हो गया है तो जो मौत से यूं गुफ्तगु करे अबिल मौत तो खब्फुनी और होश कर डराना हुसैन को है तो ये तू छोटी सी मौत ही उठाए फिरता है